गुड मॉर्निंग हिमाचल, सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। आग लगने से दुकानें तबाह, कुल्लू में घटी घटना। नगर परिषद को लाखों का नुकसान, सिलेंडर फटने से यह क्या हो गया। वर्षों तक ना भूल पाएंगे लोग, ऐसी यादें दे गया यह कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। ढालपुर स्थित बस अड्डे के समीप सब्जी की 5 दुकानों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। 2 सिलेंडर फटने के चलते यह घटना घटित हुई है। इस घटना में 5 सब्जी की दुकानों सहित एक चाय की दुकान व अन्य 3 दुकान मालिकों को भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं ढालपुर स्थित न्यूज एजेंसी वालों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित ठाकुर न्यूज एजेंसी हुई है, जिनकी पूरी तरह से दुकान जलकर राख हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और उनके सामने ही 2 सिलेंडर फटे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसमें एजेंसी वाले का एक का तो ठाकुर एजेंसी का तो पूरा ही नुकसान हो गया है, और मेरा जो है थोड़ा बचाव हो गया, काफ़ी बचाव हो गया है उसमें, जो क्योंकि मैंने खुद भी आके जो है नियंत्रण कर लिया था, थोड़ा होमगार्ड वाले से पाइप भी छुड़ा के भी मैंने खुद पानी दिया, तो इस कारण जो मेरा जो नुकसान होने से काफ़ी बच गया है। तो आपका अभी हम देख रहे हैं कि छत वगैरह जो जली है, कितना नुकसान है इसका? ये तो कोई 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान तो है ही, 40 हज़ार रुपये का, क्योंकि कुछ सामान खराब भी हो गया है, डिस्पोजल वगैरह भी खराब हो गए हैं। ढालपुर स्थित नगर परिषद की दुकानें जलकर राख हुई हैं। आगजनी की यह घटना ढालपुर में देर रात पेश आई है। नगर परिषद की जली इन दुकानों में सबसे अधिक प्रभावित 5 सब्जी मालिक हुए हैं। सब्जी की 5 दुकानें यहां पर पूरी तरह से जल चुकी हैं, जबकि अन्य 4 और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। देर रात हुई आगजनी की घटना के बाद रविवार सुबह नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचे। अध्यक्ष ने पूरी घटना का जायजा लिया और प्रभावितों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन दिया है कि फिर से यहां पर दुकानें बनाई जाएंगी और उन्हें बसाया जाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि प्रभावितों की पूरी मदद की जाएगी, जिनकी पूरी दुकानें जल चुकी हैं। वहीं इस आगजनी की घटना में नगर परिषद को भी लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि यह कमेटी की दुकानें न्यूज एजेंसी वालों सहित, जैसा कि आपके सामने ही है, रात को काफी, जैसे रात 12-1 बजे के लगभग जो है धमाका हुआ, धमाके की आवाज से लोग उठे, जिसमें यहाँ पता लगा कि भाई ये सिलेंडर फटे, और जहाँ तक आग की बात है लगता है किसी लगाई तो नहीं, लगता सेंटर से कोई लगाई गई है, लगी है या कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर लगी कैसे लगी है, ये लोग अब इसमें देंगे अपने हिसाब से, हम भी मिलेंगे कि कैसे लगी, क्या कारण था, या रात को ऐसा होता, कई बार हमारे भिखारी वगैरह जो होते कई यहाँ जो मांगने वाला या और रात को बैठ के आग सीखते हैं, उसमें जो है वो उस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह इनका सारा था प्रसार, उस हिसाब से हो सकता कि आग लगी, तो जिस हिसाब से लगता कि ये सिलेंडर से जो है वो आग नहीं लगी है, अगर सिलेंडर से आग लगती तो हमारा जो ये शेड है साथ में अपना हॉल है, ये दफ्तर है, तो ये जलता, क्योंकि दियार है सारा लगा हुआ, तो कोई कार्य कुछ भी हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग भी एसपी साहब से मिलें, और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की माध्यम से लोग सब पता लगे कि क्या हुआ है। तो जहाँ तक इनके जो है ये ठीक है, हमारी लगभग हमारी दुकानें थी, ये हमारा तैयबदारी में देते थे, कमेटी के जो है तैयबदारी देते थे, तैयबदारी में बिठाए गए थे, तो अब ये आगे क्या प्लान होगा इसका, कैसे इनको, ये नहीं है इनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कैसे करना है ये बैठ के सारी विस्तृत बात होगी,
वकील को कैसे बसाया जाए या कैसे बनाया जाए इन पे बैठ के बात की जाएगी। लेकिन जहाँ तक रोजगार के बाद ये बेरोजगार हुए, इनमें विकलांग भी है, इनमें कोई बहुत बूढ़े लोग भी है जो काफ़ी जो नहीं कमा सकते हैं, और जहाँ तक बात है इन्हें बसाने की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं जो है बसाएंगे। हो सकता है यहीं पर इनको अच्छी दुकानें बना के शॉप अच्छा शेड बना के दें जिससे कि इनकी रोजगार। सिलेंडर तो किनारे पर फटा है, अगर सिलेंडर से आग लगी होती तो हमारा ये है सिलेंडर सर कल इसने आना था, सिलेंडर सर लास्ट में फटे, सिलेंडर अगर फटता सिलेंडर कल यही फूकना था इसने सिलेंडर चला। आप क्योंकि मैं जो वीडियो चेक की देखी ना, मैं तो सवेरे उठ के ही देखा है, उसमें जो वीडियो बना रहा ना बंदा, आग लग चुकी थी खेल और ए फटा सिलेंडर उसका मोबाइल भी गया पूरा, मतलब सिलेंडर आपका जो पूरी आग बढ़ चुकी थी। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कांगड़ा नगर परिषद मैदान में शनिवार रात को आयोजित कार्यक्रम ऐसी यादें छोड़ गया जिसे क्षेत्र के लोग वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जहां कलाकारों द्वारा अद्भुत झांकियां निकाली गई, वहीं स्थानीय लोगों द्वारा दिए जलाकर पूरे मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रात भर कांगड़ा पूरी तरह से राम के रंग में रंगा रहा। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।